ठीक है सर, देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अब रूस ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। रूस ने न्यूक्लियर महाविध्वंस की धमकी दी है, और किसको? यूक्रेन को दी है। यह बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर आप देखिए, रूस ने न्यूक्लियर महाविध्वंस की धमकी दी है, यूक्रेन जंग में हो सकता है परमाणु हमला, रूसी परमाणु हमला नीति में बदलाव की तैयारी है, अभी सिर्फ देश के अस्तित्व पर खतरा होने पर परमाणु हमला करेगा, यह कहा गया रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकॉव का यह दावा है। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन जंग में यह लगभग जो 3 साल हो जाए, 2.5 साल से ज्यादा जो हो रहे हैं, यह क्या यहां पर अब वाकई परमाणु अटैक पुतिन के दिमाग में है, या केवल और केवल डेटरेंस है, केवल और केवल सामने वाले को धमकी है? अब न्यूक्लियर विध्वंस की रूसी धमकी देखिए, यूक्रेन जंग में हो सकता है परमाणु हमला, रूस की परमाणु हमला नीति में बदलाव की तैयारी, राष्ट्रीय हित दांव पर होने की सूरत में एटमी हमले पर विचार किया जा सकता है, अभी सिर्फ देश के अस्तित्व पर खतरा होने पर परमाणु हमला, पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव भी कई बार न्यूक्लियर धमकी दे चुके हैं, रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकॉव का यह दावा है। इसी बीच देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल कर रही है, रूसी सेना यार्स मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर से अभ्यास किया जा रहा है, 2 जगहों पर यार्स मिसाइल का मूवमेंट देखा गया है, न्यूक्लियर मिसाइल का, रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। तो देखिए, ये वो मिसाइल है जो महाविध्वंसक मानी जाती है और जो परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, इस यार्स न्यूक्लियर मिसाइल के साथ ड्रिल करती दिखी है रूस की सेना। एक तरफ रूस के उप विदेश मंत्री का दावा कि परमाणु हमले की नीति में बदलाव हो सकता है, और दूसरी तरफ यार्स मिसाइल का मूवमेंट, ये डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देता हूं। पहले न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस विध्वंसक न्यूक्लियर ड्रिल कर रही है रूसी सेना, यार्स मोबाइल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर से अभ्यास, थर्मो न्यूक्लियर ICBM लॉन्च करने में सक्षम RS-24 यार्स, रूस की 2 गुप्त जगहों पर यार्स न्यूक्लियर मिसाइल का मूवमेंट देखा गया है, न्यूक्लियर ड्रिल में दूसरी मिसाइल यूनिट्स भी जल्द शामिल होंगी, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है। जनरल सुधाकर, एक तरफ उनके एक बड़े मिनिस्टर का इस तरह से कहना कि हम न्यूक्लियर अटैक की अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर सकते हैं, दूसरी तरफ एक ऐसी मिसाइल जो दुनिया में किसी भी कोने में परमाणु अटैक करने में सक्षम है उसका मूवमेंट, क्या आपको लगता है कि वाकई पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर अटैक को लेकर कुछ चल रहा है, या ये केवल शोकेस है, शोकेस ऑफ पावर है, क्या लगता है सर आपको? और अब बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा है, और जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक मिलिट्री जनरल होने के नाते न्यूक्लियर वेपन एज सच इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, और चाहे आप इस्तेमाल करें या ना करें, ये डराने के लिए होता है। और 1945 का जो सांघातिक अटैक हमले के बाद नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, मेरे ख्याल से विश्व में आज 21st सेंचुरी में कोई न्यूक्लियर हमला की जो नतीजा है, जो उसका बुरा असर है, उसको कोई रिविजिट करना नहीं चाहेगा। फिर भी मिलिट्री साइंस की हैसियत से ये आप दिखावा कह सकते हैं, लेकिन ये कैपेबिलिटी है। जब उनका खरदमाग दिमाग कभी गर्म हो जाता है, बिकॉज ये टेम्पररी, एक आदमी का डिसीशन नहीं होता है बाकी देशों में, लेकिन रशिया के देश जैसा है, डिसीशन इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, जब वो सोचेंगे चाहेंगे तब वो बटन दबा सकते हैं, उनके पास बटन होता है। तो इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिसको हम असंभव अभी सोच या विचार करते हैं, हो सकता है कि चंद एक सेकेंड्स में ऐसा अब परिस्थिति बदलते जाएगा, तो ये प्यूटिन साहब मजबूरन वो बटन दबा सकते हैं। तो इसीलिए इसको फोरक्लोज या डिस्काउंट करना ठीक नहीं होगा। हम मान के चलेंगे कि ये है डेटरेंस, अभी जो हरकत हो रहा है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो सकता है, लेकिन साथ ही कैपेबिलिटी है, कभी भी वो हमला कर सकते हैं, यूएस या कोई भी इनके जो ऑपोजिंग फोर्सेस है। बैक टू यू गौरव। ठीक है, थैंक यू सर। तो मतलब यहाँ पर अब सवाल यह है कि पुतिन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर जो अमेरिका से जुड़ी हुई है, परमाणु परीक्षण से जुड़ी हुई, अमेरिका के कैसे, ये देखिए, ट्रंप अगर चुनाव जीतते हैं तो अमेरिका भी एक बार फिर से न्यूक्लियर पावर की रेस में, न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में आगे बढ़ेगा। ट्रंप जीते तो विस्फोटक परमाणु परीक्षण कर सकता है अमेरिका, अमेरिका को सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बनाएंगे ट्रंप, ट्रंप जीते तो न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी करेगा अमेरिका।
रूस चीन से मुकाबले के लिए न्यूक्लियर टेस्ट होंगे। ट्रंप के पूर्व एनएसए रॉबर्ट सी ओ ब्रायन का यह दावा है। तो अमेरिका को क्या एक बड़ा यहां पर न्यूक्लियर पावर बनाएंगे ट्रंप ये अगर जीते तो, ये क्योंकि उनके एनएसए रह चुके दावा कर रहे हैं। ट्रंप चुनाव जीते तो फिर शुरू होगा विस्फोटक न्यूक्लियर टेस्ट। 1992 से परमाणु शक्तियों के न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक हटेगी। 1996 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का उल्लंघन हो सकता है। रूस चीन से मुकाबले के लिए न्यूक्लियर टेस्ट संभव। ट्रंप के वक्त एनएसए रहे रॉबर्ट सी ओ ब्रायन ने यह दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है। और इसी बीच एक देखिए मैं इस पर एक कॉमेंट अम्बेसडर वोरा आपको लेना चाहता हूँ। अम्बेसडर वोरा, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, ट्रंप आए या बाइडन रहे, आपको लगता है कि अमेरिका की जो डिफेंस पॉलिसीज हैं या अमेरिका की जो इस तरह की जो वॉर रिलेटेड पॉलिसीज या न्यूक्लियर पावर जैसी पॉलिसीज इनसे अफेक्ट होती हैं सर? ये मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट इस समय, आपने अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक फिगर्स देखे होंगे किस तरह से रूस की इकोनॉमी बहुत ऊंची ऊपर चली गई है। उसको उन्होंने बना दिया रिच इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो वॉर एफर्ट में बहुत सा उनका जीडीपी बढ़ता जा रहा है, फूड में, फ्यूल में, वो सेल्फ सफिशिएंट में बहुत सी चीजें हो रही है। तो इसलिए अमेरिका भी फॉरएवर वॉर मांगता है। लेकिन अमेरिका पे एक बार उसके मेनलैंड पे हमला हुआ है, मैं पर्ल हार्बर की बात नहीं कर रहा, बट 9/11 की बात, मेनलैंड अमेरिका पे जब हमला हुआ, वो नहीं चाहेगा ये दोबारा हो। अभी यूक्रेन रहता है, मरता है, जीता है, कुछ होता है, अमेरिका को क्या लेना देना है? ट्रंप साहब तो पहले भी कह चुके हैं कि ये नेटो वाले सब बदमाश है, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा नेटो से, अपनी रक्षा खुद करेंगे। सो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता, अगर ट्रंप जीत गया, ये मेरा मानना है, वो बिजनेस नेगोशिएटर है, वो बड़ा शार्प बिजनेसमैन है, मुझे लगता है कि वो जल्दी से कोई समझौता ढूंढ लेगा और वो जो अपना क्लाउन ऑफ कीव बैठा हुआ है जिसको सर्कस वाला, वो वहां से छोड़ के भाग जाएगा। आफ्टर ऑल सिंगापुर की समिट कौन भूल सकता है सर, वो अगर फ्रूटफुल होती तो दुनिया का ऑर्डर ही शायद चेंज होता आज। लेकिन ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एक बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग पर नेटो की में बड़ी फूट। नेटो का एजेंडा बन चुका है युद्ध, रूस से टकराव नेटो का आत्महत्या जैसा कदम, यह जानकारी सामने आ रही है। नेटो के इरादों पर हंगरी ने सवाल उठाए हैं। नेटो देश हंगरी के पीएम ओरबन की बड़ी चेतावनी। ये हंगरी का किरदार भी बड़ा दिलचस्प रहा है जब से ये यूक्रेन वॉर शुरू हुई है। नेटो में भी हैं और उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो नेटो को पसंद ना हो। कैसे? अब देखिए, युद्ध नेटो का एजेंडा बन चुका है, ये हंगरी के पीएम बोल रहे हैं, विक्टर ओरबन। रूस से सैन्य टकराव नेटो का आत्महत्या जैसा कदम, ये कहा उन्होंने। यूक्रेन जंग में ज्यादा हस्तक्षेप नेटो के लिए विनाशकारी, नेटो देश हंगरी के पीएम ओरबन की बड़ी चेतावनी। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन से हंगरी के पीएम ओरबन की मुलाकात हुई है। रूस दौरे से पहले कीव में ज़ेलेंस्की से सीज फायर की अपील वो कर चुके हैं। अब एक सवाल यहां पर अम्बेसडर वो रहा आपसे ही, ये हंगरी ये पार हंगरी है या फिर ये रूस के साथ जाने के लिए हंगरी है, ये क्यों अपने आप को नेटो से अलग चलते हैं? ये हंगरी है कि सारी दुनिया मान जाए कि उसका अपना इंडिपेंडेंट रवैया है और उसकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हाँ। बहुत से लोग ये कहते हैं जो फ्रांस करता था यूरोप के अंदर सबसे अलग हो जाता था, हंगरी वही करता था एट द टाइम ऑफ द सोवियत यूनियन, वो अपना, तभी तो आपको पता है वहां पर पहली बार इंटरवेंशन हुआ था, वो थोड़ी इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी लगाने की कोशिश करता था। विक्टर ओरबान में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, एज में हमारे फर्क है पेरिस में। तो ये मेरा मानना है कि सर, कि ये कह रहा है कि नेटो का क्या लेना देना है, यूक्रेन मेंबर नहीं है नेटो का, और अगर यूक्रेन को आपने कल परसों अगले दिन नेटो में शामिल कर लिया और रूस फिर जो कर रहा है यूक्रेन में, फिर नेटो को जवाब देना पड़ेगा, शामिल होना पड़ा, और अगर नेटो शामिल हो गया लड़ाई में, सबसे पहले यूरोप खत्म होगा सर, वो तो रूस के बिल्कुल पड़ोसी है। तो ये बात ये समझता है विक्टर ओरबान, बाकी तो इतने घमंड है, गुरूर, नशे में पूरा गुरूर है उनका, वो शायद नहीं देख पा रहे इसको कि सबसे पहले अगर किसी को तमाचा पड़ेगा वो यूरोप को है, हंगरी ये जानता है। ओके, वेल सेड सर। आप देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मैं उस खबर से पहले बता दूं कि मुद्दा अब कौन सा आने वाला है। अभी हम बात वॉर की बात कर रहे थे, लेकिन एक वॉर जो मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है और उससे बड़ी हो सकती है, वो देखिए। मिडिल ईस्ट में टारगेट अमेरिका, हिजबुल्ला के ड्रोन्स पर इजरायली पलट वॉर। ये देखिए आप, हिजबुल्ला के ड्रोन्स को हवा में तबाह कर दिया इजरायल ने। उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला ने ड्रोन्स दागे और उनको हवा में ही तबाह कर दिया। आयरन डोम जो दुनिया भर में विख्यात है अपने डिफेंस के लिए,
वो किस तरह से हिजबुल्ला के ड्रोन्स को तबाह कर रहा है या फिर उनके कुछ दूसरे आयरन बीम जो अभी इजराइल जिसको बहुत ज़्यादा पब्लिकली स्वीकारता नहीं है या फिर दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे हिजबुल्ला के ड्रोन्स को टारगेट कर रहे हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग के बीच हिजबुल्ला का शक्ति प्रदर्शन, हिजबुल्ला के अंडरग्राउंड मिसाइल का वीडियो सामने आया है। हुती का अभी हम आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था हमने आपको, अब हिजबुल्ला देखिए। हिजबुल्ला के पास आधुनिक हथियारों की खेप है, इसराइल पर नए हमले की तैयारी में है हिजबुल्ला। और बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला की लड़ाकों की कड़ी ट्रेनिंग ये सामने तस्वीरें सामने आई है, इसराइल के खिलाफ ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है, आमने सामने लड़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है हिजबुल्ला के लड़ाकों को। ये देखिए कैसे आमने सामने यहां पर वॉर की तैयारी में हिजबुल्ला के लड़ाके। فقتل المشركين حيث وجد। और इस बीच हम आपको तीनों खबरें एक साथ दिखाते हैं, हिजबुल्ला को के ड्रोन्स को हवा में इजराइल तबाह करता हुआ, हिजबुल्ला का शक्ति प्रदर्शन सामने आया है और इजराइल के खिलाफ कैसे अपने लड़ाकों को हैंड ऑन हैंड ट्रेनिंग दे रहा है यहाँ पर हिजबुल्ला, वो आप देख सकते हैं।